अब इसको मैं थोड़ी सी वजाहत के लिए जारी इला रयाद अहादीसल बुखारी इमाम अहमद बिन इस्माइल शाफ़ी सुमल हनफी उनके लिहाज से बताता हूँ कि जब सैयदा तयबा ताहिरा रदी अल्लाह तह ने मुतालबा कर ही दिया था तो अदर सदी अकबर ने क्यों ना दिया ना देना हजरत सिद्दी के अकबर रदी अल्लाह का इसे किन लफ्जों में जिक्र करें यह शर्क गरब में बंद कान खोलने के लिए मैं ये जुमले बोल रहा हूं सफा नंबर अठासी जिल्द नंबर छम यकुन फेलो अभी बकर रदी अल्लाह ता का मर्जी सही तई बारा रजियला लम यकुन फेलो अबी बकरिन ईज़ा अन शरा यानी मुतालबा ना मान के माल ना दे के फदक ना दे के कहते हैं कि ये हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तु ने उन्हें कोई अजियत नहीं दी शरी तौर पर उन्हें कोई अजियत सदा तयबा ताहरा रदी अल्लाह को कोई अजियत नहीं दी क्या है फिर ये अमल इसको क्या कहेंगे कहते हैं हु दल्लाहा सवाद इन्ना हु सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तला रहनुमाई करना रहनुमाई की सैयदा तयबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा सैदा फातिमा ताला अन्हा की रहनुमाई की किधर वाब दुरुस्त नजरिए पर नजरिएवाब रहनुमाई की रहनुमाई की नस्बत हजरत सिद्दी के अकबर रजियाल्ला तु की तरफ है और उनके इस काम को दुरुस्त जिहत की तरफ लगाना करार दिया जा रहा है हा सैयदा मोहतरमा ताहिरा तय रजियाल्लहा उनको किधर अलवाब सवाब की तरफ ये ईज़ा नहीं थी ये तो रहनुमाई थी सैदा पाक की तरफ अब मैं फिर अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ नहीं बोलूँगा लेकिन उन लोगों को दावत फिक्र देता हूँ कि जब ये सवाब है दुरुस्त फदक ना देना तो अब दूसरी जानब जो है सवाब स्वाद वाला उसके मुकाबले में लफज क्या होता है कि जो जेहत सयदा से छुड़ा के उन्हें इस जेहत में लिया हजरत सिद्दीके अकबर रजियाल्ला तला अन हो अब ये इमाम कहते हैं वलो अजाबा अजाबहा अगर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तह हो भी वही कर देते जो वो मुतालबा फरमा रही थी तो क्या होता कहते हैं काना सतन फिर मासीत हो जाती हजरत सिद्दीक अकबर की मासीत उनका अमल मासीत बनता अगर वो सैदा तयबा ताहरा का मुतालबा तस्लीम करके उनको माल देते तो फिर काना मासियातन और वो कहते मिन वजह दो वजह से मासियत थी दो वजह से अलवल, मुखालफा तो अमर रसूल सल्लास वह इबतल सदकते ही कि इसलिए मासीत बनती कि अल्लाह के रसूल सलाम के हुक्म की, की खिलाफ वर्जी हो गई है तो वहाँ तो ये तो नहीं देखा जाएगा कि उन्हीं की बेटी के कहने पर किया है वहाँ तो पहले यह देखा जाएगा कि उनका अपना हुक्म क्या था तो मासियत होती कि सरकार के हुक्म की, की खिलाफ वर्जी हो जाती और फिर वह इबित सदक ही सरकार के सदके का इबित आता असानी ये जुमले हैं ते सैदा के लिए किले की हैसियत में और क्या मत तक के सैदों की अजमत के तहफ के लिए क्या आसानी क्यों नहीं दिया देते तो मासियत हो जानी थी हालांकि अगर दे देते तो उनके खिलाफ तो आज भोंकने वाले ना भोंकते मगर नुकसान क्या होता मुकदस आल के तरफ लुकमा आराम चला जाता अकबर हजरत सै अबा ताला रजियला को हराम माल कैसे दे सकते थे जिन जिसको शरीयत ने माल हराम कहा हो तो ये थी गैर कि तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे तैयार किया और मैं तुम्हारे तकद्दस को जानता हूँ और मुझे पता है कि ये तुम्हारे शायान शान नहीं इस तरह मिल्कियत के देने के लिहाज से लिहाजा अगर सिर्फ ये लिहाज करते हुए कि सैदा पाक ने फरमाए दे देते तो उधर मासियत हो जाती सरकार नाराज़ होते खलीफा तुम थे तो तुमने मेरी ही हाल के लिए माले हराम खुद अपने हाथों से दे दिया तो इस बुनियाद पर हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तु ने ना दे के मुकदस घरानाने की तकदीस पे पहरा दिया